जिस जगह पे ये चोरी हुई है इसी जगह के बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने भी चोरियां होनी शुरू हो जाए तो आप खुद ही सोचिए कि इंसान कहां पर सेफ है। ये नरवाल है और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने यहां से 40 से 50 हज़ार रुपये की चोरी हो जाती है रात को। तो वही सोर्स ऑफ इनकम तो पापा ही यहाँ पे ही, मतलब कि जो भी हमारा होता है। तो अभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई है, अभी 1 ईयर पहले ही शोल्डर भी फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ से ट्रक से गिर गए थे तो उसकी वजह से भी काम नहीं होता नॉर्मल। अब थोड़ा बहुत जितना होता था वो कर लेते थे, तो अब तो वो भी नहीं होगा। ब्रदर भी अभी मतलब कि वो स्टडी कर रहे हैं, तो अभी मतलब कि मेन तो यही है सोर्स ऑफ इनकम, सारा सोर्स ऑफ इनकम यही था। हाँ यही है, बाकी और कोई भी नहीं है। तो अभी मैं अभी मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई है, तो अभी आपको पता है यहाँ पे जॉब मिलना भी कितना मतलब कि मुश्किल है। करियर अड्डा जम्मू, जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 4.5 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। काफी समय बाद निकली JKPSI की तैयारी पूरे जोश खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 2000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य पाने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 0191-258-3256-9906187-157। मैं इस समय ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 6 में हूँ, जहाँ पर कल रात को जो है या सुबह के समय चोरी हुई है। और जिनकी चोरी हुई है ये गरीब आदमी है, ये आप देखेंगे ये इनका छोटा सा कुछ सामान रखने के लिए इन्होंने चीज़ बनाई हुई है, उसमें से सारा सामान जो है चोरी करके ले गए हैं। थोड़ा ना के रमेश चंद्र, रमेश जी के गल हुई, किन्ने बजे लगे पता? मैनू 9 बजे कोई लगे, मुड़े ने फोन किया घर दे, आखा तेरी दुकान खुली है अंदर समान जरा एक भी नहीं है। मैं देखा अंदर आखते एक भी नहीं है, 4-5 जैकन एर ने और जानी छोटा मोटा समान जरा चाबियां पाने वगैरह सारा कुछ ले गए। 60-70 हज़ार रुपए का जो समान है। किन्ने बजे तुम राती बंद करते हो? शामी मैं कोई कल ऐतवार 4:30 बजे ने गया, तो उसके बाद मैं सवेरे जो ऐत शामी ही जाने आए, ऐतवार तो हाफ डे लाया। तो ये जिस जगह से ये सारा समान चोरी हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा, ये छोटी सी इनकी दुकान टाइप है, यहाँ से ये बंद करते हैं ताले तोड़कर, यहाँ से जो है जो भी चोर है अंदर से सारा सामान ले गए, ये ताले भी यहीं पे पड़े हुए हैं। अब आपका ये काफ़ी नुकसान हो गया, ये कितने बजे आपको पता चला कि ये चोरी हुई? सर मॉर्निंग में 9 AM पापा को कॉल आया था किसी का, तो पापा चले गए, हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ, पापा को बाद में कॉल किया तो फिर पापा बोल रहे थे कि हाँ वहाँ पे चोरी है। फिर मैं भैया के साथ, ये नेबर भैया उनके साथ आ गई, मैंने बोला पूछते जाके, और जब देखा पापा बोले इधर सामान तो कोई भी नहीं है। तो वही सोर्स ऑफ इनकम तो पापा ही यहाँ पे ही, मतलब कि जो भी हमारा होता है। तो अभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई है, तो उन्होंने बोला देखते हैं, अभी उन्हें कुछ मतलब कि पॉजिटिवली कुछ नहीं बोला, सही बताऊं तो पापा ही ये थे बोल रहे अभी देखते हैं। सर ये मजदूरी है साड़ी, इत्थों के रोटी कमानी है असी, रोजगारी अगर चुक के लै गए तो गरीब कितों टब्बर पलेगा, तो 3 बच्चे ने इत्थों के रोटी कमा के लेके जाता घर, यो रोजगार मतलब कमाने का जरिया है, वही बेचारे हाथी घट छेटे गरीब के, जेकर चोरी करेगा फिर और की करेगा गरीब, जेकर रोजगारी चुक के लै जाएंगे तो। ऑलरेडी पापा का अभी 1 ईयर पहले ही शोल्डर भी फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ से ट्रक से गिर गए थे, तो उसकी वजह से भी काम नहीं होता नॉर्मल। अब थोड़ा बहुत जितना होता था वो कर लेते थे, तो अब तो वो भी नहीं होगा। ब्रदर भी अभी मतलब कि वो स्टडी कर रहे हैं, तो अभी मतलब कि मेन तो यही है सोर्स ऑफ इनकम, सारा सोर्स ऑफ इनकम यही था। हाँ यही है, बाकी और कोई भी नहीं है। तो अभी मैं अभी मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई है, तो अभी आपको पता है यहाँ पे जॉब मिलना भी कितना मतलब कि मुश्किल है, ट्राई कर रहे हैं बट तब तक तो पापा ही है ना। ये एक गरीब आदमी के ऊपर कितना नुकसान, और सबसे बड़ी मार ये पड़ती है कि जो छोटा मोटा उनका काम काज है वो भी जब चोरी हो जाए, 3 बच्चे हैं इनके, वो भी अभी इन्हीं पे ही डिपेंडेंट हैं, और यही सोर्स ऑफ इनकम था। मैं पुलिस से अपील करूंगा इनका जितना भी नुकसान हुआ है जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ के सारा नुकसान पूरा किया जाए। वार्ड नंबर 6 है ये, ट्रांसपोर्ट नगर जो नरवाल अड्डा जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये चोरी हुई है। धन्यवाद, राम राम।